तरफ किसान अपनी मांगों को लेके अड़े हुए हैं और दूसरी तरफ सरकार का जो रवैया है वो अलग है। और उसी प्रकार गांव गोरखपुर के किसान भी इसमें विशेष योग कर रहे हैं पिछले 8 दिनों से लगातार, और आज भी इन्होंने विभिन्न सप्लाइयों के माध्यम से खाद्य पूर्ति के लिए या फिर सब्जी के मामले में या दूध के मामले में विशेष प्रबंध करके दिल्ली पहुँचाया जा रहा है। और विभिन्न किसान यहाँ एकत्रित हुए हैं और यही माल जो है सप्लाई दिल्ली के लिए किया जाएगा और किसानों को भूखा नहीं मरने दिया जाएगा। उसी प्रकार जब सरकार ने भी उनको भोजन देने का कष्ट किया तो कल उन्होंने भोजन देने से भी स्पष्ट मना कर दिया और स्वयं अपना बना हुआ भोजन खाया है। तो मैं आपसे विभिन्न किसानों से भी रूबरू हूँ और आपको बताऊँगा कि आगे की रूपरेखा इनकी क्या है। आइए सर, ये बताइए कितना माल यहाँ से आज दिल्ली जाएगा गांव गोरखपुर से? ये सर लगभग 20 क्विंटल ये ताज़ा सब्जी है और लगभग 300 लीटर दूध है और भी खाद्य सामग्रियाँ हैं जो दूसरी गाड़ियों में भर के हम भेज रहे हैं और ये कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी। मतलब जब तक साफ और स्पष्ट कहना है किसानों का, जब तक मांगें पूरी नहीं की जाएगी तब तक किसान अपने लिए जान देने के लिए भी तैयार है। और तरफ हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश विभिन्न किसानों की टीम दिन रात लगी हुई है। ये बताइए आगे का रुख आपका क्या है? आगे का रुख ये ऐसा है, जो वहाँ जत्थेबंदियाँ हैं, जो भी हमारे किसान नेता है, वो जो भी रूपरेखा तैयार करेंगे उसके लिए हम बिल्कुल वो बातें मानेंगे। लेकिन सरकार ने जो अड़ियल रवैया है, ये अड़ियल रवैया जब तक सरकार अपना वापस नहीं लेगी, तीनों कानून वापस नहीं लेगी, तब तक किसान वहाँ डटे रहेंगे और हम लगातार पीछे से ऐसे ही गोरखपुर गांव की तरफ से सहयोग करते रहेंगे। देखिए, जिन नेताओं को किसानों ने ऊपर की गद्दियों पे बिठाया, ऊपर तक पहुँचाया, आज वही नेता दिल में छिप कर बैठे हैं किसानों का ये स्पष्ट कहना। ये बताइए आसपास के नेताओं से कहीं से कोई आपके समर्थन में आया है? समर्थन में देखो, ये गैर सरकारी आंदोलन है, इसमें सरकार का हम कोई सहयोग नहीं लेना चाहते, सिर्फ ये किसानों का आंदोलन है और जो किसान अपना आंदोलन कर रहे हैं वो लगातार जारी रखें और पीछे जिन किसानों की ड्यूटी लगी हुई है वो लगातार अपना उनका सहयोग कर रहे हैं, चाहे राशन की बात आए, चाहे पानी की बात आए, चाहे दूध की बात आए, जो भी बात आए, जो भी वहाँ से जिस चीज़ की भी रिक्वायरमेंट आएगी उसको हम यहाँ से पूरा करने की लगातार 100% कोशिश करेंगे। गांव गोरखपुर के किसानों का साफ और स्पष्ट कहना है कि वहाँ पर जहाँ बैठे हुए हैं इनके किसान भाई, उनको भूखा नहीं मरने दिया जाएगा, चाहे वो अन्न का मामला हो या फिर लस्सी और दूध का मामला हो। लगातार ये 7 दिन सप्लाई हो रही है और आगे भी इसी तरह जारी रहेगी, चाहे कितना ही लंबा संघर्ष चलता रहे उस संघर्ष में शामिल होते रहिए। ये बताइए कि आपकी मांग यदि सरकार ने नहीं मांगी तो आपका अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप ऐसा है सर, जो भी किसान नेता फैसला लेंगे उसके लिए हम हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं। वो अगला फैसला उनके आदेश के मुताबिक होगा, जो आदेश वो देंगे हम उसको 100% निभाएंगे। लगातार मीटिंगों पे मीटिंग हो रही है और लगातार कोई निष्कर्ष नहीं निकला, अभी तक कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला, यानी दिन और रात एक करके किसान वहाँ संघर्ष के साथ बैठे हुए हैं, मगर अभी तक कोई सरकार का स्पष्ट वो नहीं कि हम इसको वापस ले लेंगे इन कानूनों को और आगे के लिए हम इसको बंद कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं। तो आप बताइए अगला स्टेप आपका चारों तरफ से दिल्ली का बंद करने का है या फिर इरादा कुछ खोलने का है? इरादा सर ऐसे है, जो किसान नेता वहाँ बैठे, मैंने पहले भी बताया आपको, जो किसान नेता जो फैसला लेंगे वो हमारे लिए सर्वोपरि है। जिन्होंने इतना बड़ा आंदोलन एकजुट करके खड़ा किया है, ये बार बार आंदोलन ऐसे खड़े नहीं होते, इसमें सरकार काफ़ी कोशिश कर रही है, बीच में ऐसे बैरूपीय भी अंदर घुसा रही है जो कि आंदोलन को फैल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसान अपनी मांगों पर अंडिंग है और ऐसे बैरूपियों को भी हम नहीं घुसने देंगे और हम अपनी मांगे मनवा के ही वापस आएंगे वहाँ से। बिल्कुल, देखो गांव गोरखपुर के किसानों का एक बार फिर बता दे रहा हूँ, साफ और स्पष्ट है, आज माल की सप्लाई भी दिल्ली के लिए जाएगी और आगे ये लगातार जब तक किसान आंदोलन चलेगा लगातार ये सप्लाई ऐसे ही जारी रहेगी। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने बड़ा कीमती समय हो जो हमें दिया और सप्लाई को आप लगातार कंटिन्यू रख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और आपके चैनल का भी, और हम भी गांव गोरखपुर के जितने भी किसान हैं आपके चैनल का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद व स्वागत करते हैं कि आप आए और हमारी आवाज़ को आगे तक पहुंचाने की कोशिश करें। जय जवान किसान एकता, जय जवान, जय जवान किसान एकता, जिंदाबाद किसान एकता, जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।